हमने जो अभी विड्थ निकाली थी सेंट्रल पॉइंट की, वो बीटा नॉट यानी कि 2x थी, वो लीनियर विड्थ थी। वो क्या पूछ रहा है इसमें, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। एंगुलर विड्थ क्या होती है, एंगुलर विड्थ है ये जो सेंट्रल का पॉइंट है, ये सेंटर का मैक्सिमा है, इस सेंट्रल मैक्सिमा ने टोटल एंगल कितना सबटेंड किया, ये कितना है 2 थीटा, इसको बोलते हैं एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इसको 2 बीटा बोलते हैं। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? तो ये 2 बीटा है। तो इसको करने का एक बड़ा सिंपल तरीका है कि आप पहले यहाँ पर फर्स्ट मिनिमा ढूंढ लें, फर्स्ट मिनिमा की एंगुलर पोजीशन ढूंढ लें थीटा, उसको डबल कर दें तो सेंट्रल पॉइंट की एंगुलर विड्थ आ जाएगी। फर्स्ट मिनिमा के केस में कंडीशन क्या होती है, ए साइन थीटा 1 लैम्डा, साइन थीटा लैम्डा बाई ए, एंगल छोटा है तो लैम्डा बाई, तो फर्स्ट मिनिमा की एंगुलर पोजीशन लैम्डा बाई ए, लेकिन सेंट्रल पॉइंट ने कितना एंगल सबटेंड किया हुआ है, थीटा और थीटा मिला के 2 थीटा, इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दो 2 लैम्डा बाई ए। तो ये क्या आ गई, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज 2 लैम्डा बाई ए। क्लियर है यहाँ तक? तो ये याद रखना है। और लीनियर विड्थ हम निकाल चुके हैं, थोड़ी देर पहले निकाली थी, वो 2x थी, सबसे पहले यही निकाला था, ये 2x है और ये वैल्यू कितनी थी 2 लैम्डा d/a। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? एंगुलर विड्थ अलग है और लीनियर विड्थ अलग है। और एक लाइन लिखी हुई है, लाइन से पहले एक और चीज़ इसमें ये भी आ जाता है, एंगुलर स्प्रेड। देखो ये स्प्रेड क्या होता है या एंगुलर स्प्रेड क्या होता है, ये बहुत आता है। स्प्रेड का मतलब लाइट कितनी स्प्रेड हुई हुई है, ये रही, इतनी स्प्रेड हो रखी है सेंट्रल पॉइंट पे, इसे बोलते हैं स्प्रेड। अगर वो बोले कि स्प्रेड निकाल लो लाइट का, तो तुम यहाँ पर 2x निकाल देना, x और x मिला के टोटल कितने हैं 2x, यानी कि लीनियर विड्थ निकाल देना, वो स्प्रेड बना जाएगा। अगर वो ये कहे कि एंगुलर स्प्रेड निकालें सेंट्रल पॉइंट का, तो एंगुलर स्प्रेड क्या बनेगा 2 थीटा, यानी कि एंगुलर विड्थ निकालें सेंट्रल पॉइंट की। तो स्प्रेड का मतलब 2x, एंगुलर स्प्रेड का मतलब 2 थीटा। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? और एक लाइन एनसीईआरटी ने एंड में लिख रखी है, नो वन हैज एवर बीन एबल टू डिफाइन डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। पूरा डिफरेंस तो किसी को पता ही नहीं है, इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ यूजेज। सिंपली वी कैन से दैट व्हेन देयर आर फ्यू सोर्सेज, बहुत कम सोर्सेज हैं, से 2 इंटरफेयरिंग सोर्सेज, तो हम इनकी इंटरफेरेंस को नॉर्मली क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस है, YDSC में इंटरफेरेंस की थी। पर अगर आपके सोर्सेज लार्ज हैं तो फिर नॉर्मली वर्ड क्या यूज करते हैं, डिफ्रैक्शन। ठीक, तो जब पेपर में आएगा राइट डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, तो ये बिल्कुल मत लिखना, ये वैसे नॉलेज के लिए बता रखा है। प्रॉपर लिखना, क्या लिखेंगे उसमें, लिखना कि YDSC में 2 स्लिट्स को यूज किया गया था, डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट को यूज किया गया। ठीक, पहला डिफरेंस, देखो डिफरेंस पूरा डिफरेंस लिखना पड़ेगा, वो ये नहीं लिख सकते कि छोड़ सकते कि ऐसे तो दुनिया में पता नहीं लगा, तुम्हारी सोच है अपने आप। तो दूसरा ये लिखना है कि जो इंटेंसिटी होती है YDSC में ब्राइटनेस की, वो सारी बराबर होती हैं, लेकिन डिफ्रैक्शन के अंदर सेंटर पॉइंट पे इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है और बाकी इंटेंसिटी कम होती है। ये मेन डिफरेंस है इनके। ठीक है, यहाँ तक?